हेलो एवरीवन, टिकलीज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 25th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ टू एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही रूल्स और वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में बताए थे। तो अगर आपने वो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, दैट इज एफ ऑफ डी ऑफ y इक्वल्स टू q ऑफ x। ये है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। चेक करो कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या वो फॉर्म में है तो नहीं। अभी फिलहाल ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो फॉर्म में नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसको वो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार वो फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम आसानी से उसको सॉल्व करके उसके थ्रू उसके दो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो चलो यहां पर हम सबसे पहले वो फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर डीवाई बाई डी एक्स है, जबकि यहां पर देखो कैपिटल डी है। तो हम एक काम करेंगे, यहां पर कुछ पुट करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करते समय हम ऐसा लिखेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो हम लिख लेंगे, लेकिन ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये d by dx के फॉर्म में है, हमें इसको कैपिटल d के फॉर्म में लिखना है, तो वो भी हम लिखेंगे। पहले हम as it is लिख लेंगे, d square y by dx square minus of 2dy by dx plus of y equals to e to the power x into sine of 2x। ठीक है, और अब हम यहां पे पुट कर लेंगे, पुट d by dx equals to capital D, क्योंकि हमें capital D के फॉर्म में लिखना है, तो d by dx के जगह capital D हमें लिखना है, क्योंकि capital D यानी d by dx होता है, यानी differentiation। ठीक है, तो चलो हम ये पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन पुट करने के बाद ऐसा हो जाएगा, डी स्क्योर वाई बाई डी एक्स स्क्योर, इसका मतलब ये हो जाएगा डी स्क्योर ऑफ वाई माइनस टू डी ऑफ वाई प्लस ऑफ वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ टू एक्स। ठीक है, ये हमने कैपिटल डी के फॉर्म में लिख लिए। अब चेक करो क्या ये वो फॉर्म में आ चुका है, नहीं। अब एक काम करेंगे, यहां पे लेफ्ट साइड में से वाई कॉमन ले लेंगे। देखो, तीनों टर्म्स में यहां पे वाई दिखाई दे रहा है, तो वाई कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, डी स्क्योर माइनस ऑफ टू डी प्लस ऑफ वन ऑफ वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन ऑफ टू एक्स। तो ये हमने यहां पे ब्रैकेट में दे दिए और यहां पे y कॉमन ले लिए। अब देखिए, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये है, देखो, f ऑफ d ऑफ y इक्वल्स टू q ऑफ x। तो यहां पे ये जो पहला ब्रैकेट है ये f ऑफ d के प्लेस पे है, f ऑफ d ऑफ y और इक्वल्स टू के राइट साइड में ये पूरा q ऑफ x है। ठीक है, तो फाइनली ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करके इसके थ्रू हम दो सॉल्यूशंस निकालेंगे, पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल pi, और फिर एट द लास्ट ये दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करके हम जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वो भी हम कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले पहला सॉल्यूशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना काफी आसान है, उसके लिए बस आपको क्या करना है, एफ ऑफ डी को जीरो के साथ इक्वेट करना है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन हम यहां पे लिखेंगे ae is, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, हमने यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें क्या करना है, f ऑफ d को जीरो के साथ इक्वेट करना है, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है इसको जीरो के साथ इक्वेट करो। तो ये हम लिखेंगे d स्क्वायर माइनस ऑफ 2d प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। ये हमने यहां पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिए, और अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। इसके रूट्स निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप मैन्युअली सॉल्व करो या तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व करो। कैलकुलेटर में रूट्स फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शन होता है, आप उसके थ्रू निकाल सकते हैं या मैन्युअली भी यहां पर निकाल सकते हैं। मैन्युअली निकालना है तो क्या करेंगे, देखो यहां पर कॉन्स्टेंट क्या है, 1, और डी का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 2। इसका मतलब ऐसे कोई दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाए और जिसका एडिशन या जिसका सब्सट्रैक्शन माइनस 2 हो जाए। तो ऐसे दो नंबर हमने सोच लिए हैं, ऐसे दो नंबर हैं माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, ये वो दो नंबर हैं। अगर आप माइनस 1 माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 आएगा, और माइनस 1 माइनस 1 को ऐड करेंगे तो माइनस 2 आता है। इसका मतलब अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखो हम यहां पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लिखेंगे डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो, ठीक है,
क्योंकि इसके दो रूट्स यहां पे निकलेंगे, क्योंकि d का पावर 2 है, इसका मतलब दो रूट निकलना तय है। तो ठीक है, माइनस वन लिए तो हमने d माइनस वन ऐसा हमने इसको फैक्टराइज कर लिए, और अब यहां पे हम लिख सकते हैं d-1 इक्वल्स टू 0 एंड d-1 इक्वल्स टू 0, सो d इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर d इक्वल्स टू 1 1, ऐसे हमने यहां पे दो रूट्स निकाल लिए हैं, और ये दोनों रूट्स बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये रियल एंड इक्वल है। ठीक है, दोनों रूट्स यहां पे निकल चुके हैं, और अब ये रूट का यूज करके हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बनाएंगे। जैसा हमने कहा था ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करो, तो हमने रूट्स निकाल लिए हैं। अब ये रूट्स का टाइप क्या है, तो हमने कहा था ये रूट्स का टाइप है रियल एंड इक्वल, तो ये रियल एंड इक्वल रूट है, तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन देखो ऐसा बनेगा, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू हम लिखेंगे c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर x, ऐसा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो हम आपको पहले बता देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है रियल एंड इक्वल के लिए, c1 प्लस c2x, ठीक है, दो रूट्स अगर है तो उसके लिए इंटू e टू द पावर mx, ठीक है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर दो रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं। तो देखो यहां पे दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल है, ठीक है, दोनों वन है, तो आपको क्या करना है, ये e टू द पावर mx, m के जगह आपको रूट का वैल्यू पुट करना है, रूट क्या है, वन है, तो यहां पे आपको वन पुट करना है, और इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, तो वो हमने यहां सीधा सीधा लिख दिया है। देखो यहां पे x का कोएफिशिएंट हमने वन लिख लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रूट्स का टाइप चेक करते आना चाहिए आपको। टोटल चार टाइप के रूट्स होते हैं, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, इमेजिनरी एंड इक्वल, तो सभी टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वेशन बनता है। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे स्टार्टिंग में, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहला सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिए हैं, लेकिन हमने कहा था कि टोटल दो सॉल्यूशंस निकालना है, सीएफ और पीआई, तो ये हमने सीएफ निकाल लिए। अब हम PI फाइंड आउट करेंगे, PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो चलो PI हम फाइंड आउट करेंगे। सो हम यहां लिखेंगे PI का फार्मूला, नाउ PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इसका फार्मूला ऐसा है, दैट इज 1 बाय, जस्ट अ मिनट, ये डबल इक्वल टू हो गया, तो PI इक्वल्स टू 1 बाय f ऑफ d इंटू q ऑफ x। देखो ये फार्मूला है, ये फॉर्मूले का यूज करके आपको PI फाइंड आउट करना है, इट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो f ऑफ d और q ऑफ x यहां पे पुट करो, तो ये हम लिखेंगे PI इक्वल्स टू 1 बाय f ऑफ d। f ऑफ d क्या है, तो हमने ये देखो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, तो हमने कहा था y का कोएफिशिएंट ये ब्रैकेट पूरा f ऑफ d है, तो ये f ऑफ d आपको यहां लिखना है, तो ये हम लिख लेंगे d² -2d+1, ये आ गया f ऑफ d के प्लेस पे, इंटू q ऑफ x, मतलब ये राइट साइड में ये जो कुछ भी है ये q ऑफ x है, तो हम लिखेंगे e टू द पावर x इंटू साइन ऑफ 2x, ये हमने q ऑफ x लिख दिए, और अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये हमने PI का फार्मूले में हमने सब कुछ पुट कर लिया है, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको PI में यूज होने वाले टोटल 6 केसेस की जानकारी होनी चाहिए। PI में टोटल 6 केसेस होती है, तो यहां पे ये कौन सा केस है, e टू द पावर x इंटू साइन 2x, ये कौन से केस में आता है, ये आपको पहचानते आना चाहिए। तो e टू द पावर x इंटू साइन 2x जो है ये केस 4 में आता है, ये केस 4 का, यहां पे केस 4 के रूल हमें यहां अप्लाई करना पड़ेगा। केस 4 में क्या रूल लगते हैं, देखो केस 4 का स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो केस 4 का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है कि PI फाइंड आउट करते समय 1 बाय f ऑफ d इंटू e टू द पावर ax इंटू v ऑफ x। देखो ये है, दैट इज केस नंबर 4 का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये केस 4 का स्टैंडर्ड फॉर्म हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल PI के ऊपर इसके पहले हमने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो PI का वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका PI का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि टोटल जो 6 केसेस होती है, 6 केसेस के अकॉर्डिंग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा, तो वो वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, तो ये PI फाइंड आउट करते समय जैसा हमने कहा ये केस 4 का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो क्या लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, PI इक्वल्स टू 1 बाय f ऑफ d। ठीक है, तो ये देखिए PI इक्वल्स टू 1 बाय f ऑफ d, ये पूरा f ऑफ d है, e टू द पावर ax इंटू v ऑफ x, तो e टू द पावर ax के फॉर्म में है, देखो यहां a का वैल्यू 1 है, और इंटू v ऑफ x मतलब ये देखिए साइन 2x जो है ये v ऑफ x के प्लेस पे है। ठीक है, तो ये v ऑफ x में कुछ भी हो सकता है, जैसे इसमें कोई x टू द पावर m के फॉर्म में हो सकता है, या साइन ax हो सकता है, या cos ax हो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ये देखिए ये साइन 2x जो है वो v ऑफ x के प्लेस पे है जैसा हमने बताया, और अब हम यहां पे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये केस 4 में अगर आता है तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, तो रूल क्या है, तो केस 4 का रूल ऐसा है, देखो रूल समझ लो, क्योंकि यहां पे
केस फोर का रूल आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो रूल ऐसा है कि अगर अगर ऐसा केस फोर का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बने तो ऐसे में ये जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल को आपको बाहर निकालना है, लेकिन ई टू दी पावर ए एक्स बाहर निकलते समय ये जो एफ ऑफ डी का जो फॉर्म रहेगा उसमें डी के जगह आपको डी प्लस ए लिखना है, डी के जगह आपको डी प्लस ए लिखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या कहा, एक्सपोनेंशियल को पहले बाहर निकालना है, एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालते समय एफ ऑफ डी के इक्वेशन में जहां कहीं पे भी डी होगा, डी के जगह आपको डी प्लस ए लिखना है, बस आपको इतना करना है, और ये जो वी ऑफ एक्स जो था वो वही रहेगा। चलो ये जो रूल अभी हमने बताए थे वो हम यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसा हमने कहा ई टू द पावर ए एक्स बाहर आता है, तो ये देखो ई टू द पावर एक्स जो है वो हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। यहां पर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहां पर वन है, क्योंकि ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में है, एक्स का कोएफिशिएंट वन है, इसका मतलब ए का वैल्यू वन है। तो ये एक्सपोनेंशियल को हम बाहर निकालते हैं, तो ये हम यहां लिखेंगे e टू द पावर x हमने बाहर ले लिए, ठीक है। और अब बाहर लेने के बाद इनटू ये जो 1 बाय एफ ऑफ डी के फॉर्म में जो था, देखो ये पूरा 1 बाय एफ ऑफ डी के फॉर्म में है, तो इसमें जहां जहां पे d है वहां वहां पे अब d प्लस ए का फॉर्म आएगा, a का वैल्यू 1 है तो d प्लस ए यानी d प्लस 1, तो यहां पे d प्लस 1 आएगा, यहां पे d प्लस 1 आएगा, तो ये इक्वेशन कुछ नया बन जाएगा। तो ये हम इक्वेशन यहां लिखेंगे, दैट इज d प्लस 1 का होल स्क्वायर देन माइनस ऑफ 2 इंटू यहां पे d प्लस 1 प्लस 1 इंटू साइन ऑफ x, साइन ऑफ 2x। ये देखिए, ये हमने फाइनली यहां पे केस 4 का जो रूल हमने जो बताया है वो हमने यहां अप्लाई कर लिए हैं। बस ये केस देखो, केस 4 का रूल हमने जो अप्लाई किया है वो एक बार चेक करके देखते हैं कि सही तरह से अप्लाई हुआ कि नहीं। तो हमने क्या कहा, एक्सपोनेंशियल को हमें बाहर निकालना होता है, तो ये देखिए एक्सपोनेंशियल को हमने यहां बाहर निकाल लिए, और यहां पे d के जगह d प्लस 1 आपको पुट करना था, तो देखो यहां d के जगह d प्लस 1 आ गया, d प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां d के जगह d प्लस 1 आ गया, और ये प्लस 1 एज इट इज है, ठीक है। और ये जो v ऑफ x के फॉर्म में था, ये देखो ये जो साइन 2x है जो v ऑफ x के जगह है वो एज इट इज है। तो ये हमने केस 4 का रूल यहां पे अप्लाई कर लिए, बस केस 4 का इतना ही रूल है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, अब ये आपके ऊपर है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब यहां पे साइन 2x है, अब ये साइन 2x कौन से केस में आता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। केस 4 का इतना ही रूल है, केस 4 इसके बाद यहां पे केस 4 का कोई काम नहीं है, बस केस 4 में एक्सपोनेंशियल को बाहर निकाल के बस ये आपको पुट करना है, ये रिप्लेसमेंट करना है। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग केसेस जो इसके पहले हुई थी अब हमें वो अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहां पे साइन 2x है, तो ये साइन 2x कौन से केस में आता है वो आपको देखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो केस के रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये साइन 2x जो है वो केस 2 में आता है, तो चलो यहां पे केस 2 का रूल अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और पीआई फाइंड आउट करेंगे। लेकिन केस 2 का रूल अप्लाई करने के पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो यहां पर डिनोमिनेटर में डी प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया, तो इसका होल स्क्वायर कर लो, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, जितना हो सके इतना इसको रिड्यूस करो, अगर ये रिड्यूस होगा तो फिर सॉल्व करने में आसानी हो जाएंगे। तो चलो हम यहां पे इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। देखो पीआई हम फाइंड आउट करेंगे, सो यहां पे e टू द पावर x जो है वो बाहर में है, तो वो बाहर में रखो, और ये 1 बाय, अब देखो यहां पे a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, d प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब ये 2 से यहां मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस ऑफ 2d, हम लिखेंगे माइनस ऑफ 2d माइनस ऑफ 2, ठीक है, फिर प्लस 1, और फिर बाहर में है साइन ऑफ 2x, तो जो साइन 2x है यहां पे जगह कम है तो हम यहां पे लिख लेंगे साइन ऑफ 2x, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको ये फॉर्म में हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि जितना हो सके उतना रिड्यूस करना जरूरी है। देखो हमने यहां तक हमने जो डिनोमिनेटर है उसको हमने एक्सपांड कर लिया पूरी तरह से, और अब देखिए डिनोमिनेटर को यहां पर रिड्यूस कर लो, तो ये प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस 2 और ये प्लस 1 प्लस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, सिर्फ डी स्क्योर ऐसा बचेगा डिनोमिनेटर में, तो ये हम लिख लेंगे ई टू द पावर एक्स बाहर में है इनटू 1 बाय डी स्क्योर, और अब यहां पे क्या बचा है, साइन 2x इतना बचा है, ये देखिए इतना हमने रिड्यूस कर लिया, काफी अच्छा ये रिड्यूस हो गया। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हम यहां पर केस 2 का रूल अप्लाई करेंगे। तो केस 2 का रूल क्या है, तो केस 2 क्या कहता है, तो केस 2 का रूल ये है कि अगर यहां पर साइन के फॉर्म में अगर हो, साइन या कॉस, जैसे साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स, वो फॉर्म में अगर हो, देखो ये साइन ए एक्स के फॉर्म में है, ए का वैल्यू यहां पे 2 है, तो साइन ए एक्स के फॉर्म में अगर हो, तो रूल ये है कि ये यहां पे जो कुछ भी इक्वेशन होता है एफ ऑफ डी का, उसमें आपको क्या करना है, डी स्क्योर के जगह माइनस ऑफ ए स्क्योर पुट करना है। क्या कहा, डी स्क्योर के जगह माइनस ऑफ ए स्क्योर पुट करना है,
लेकिन पुट करते समय आपको चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ रहा है तो फिर आपको पुट नहीं करना है, फिर आपको न्यूमिनेटर में एक्स लिख के डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करके प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। चलो देखते हैं यहां पे ये रूल अप्लाई करके कि डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है या नहीं। तो यहां पर डी स्क्योर की जगह माइनस ऑफ ए स्क्योर, माइनस अलग है और ए स्क्योर अलग है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए का वैल्यू क्या है, टू, तो माइनस ऑफ ए स्क्योर यानी माइनस ऑफ टू स्क्योर यानी माइनस फोर, तो यहां डी स्क्योर के जगह माइनस फोर आएगा। तो क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम यहां पे केस टू का ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे e टू द पावर एक्स और यहां पे डी स्क्योर के जगह माइनस ऑफ फोर आएगा यानी माइनस ऑफ ए स्क्योर हमने लिख दिए, और ये साइन टू एक्स जो है वो एज इट इज यहां पे लिख दो। तो फाइनली हमें पी आई मिल गया, अब हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ये हो गया कंप्लीट। तो आप चाहे तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके ऐसा लिख सकते हैं ए टू द पावर एक्स बाय माइनस ऑफ फोर इंटू साइन ऑफ टू एक्स, आप यहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको कुछ भी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं। तो ये हमें पी आई सेकंड सोल्यूशन दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया। लेकिन आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या यहां पे केस टू का ये रूल अप्लाई करना जरूरी था, तो नहीं, आप बिना केस टू के रूल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहां पे देखो यहां वन बाय डी स्क्योर है, वन बाय डी स्क्योर यानी डबल इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कैपिटल डी माने डी बाई डी एक्स होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कैपिटल डी माने डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन। अगर डी यानी डिफ्रेंशिएशन होता है तो वन बाय डी यानी इंटीग्रेशन होता है, वन बाय डी यानी इंटीग्रेशन होता है। तो यहां पर वन बाय डी स्क्योर है, इसका मतलब डबल इंटीग्रेशन, इसका मतलब अगर आप साइन टू एक्स को डबल अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो डबल इंटीग्रेट करने के बाद भी यही आंसर आता है। ठीक है, आप चाहे तो केस टू का रूल अप्लाई करो या आप चाहे तो डबल इंटीग्रेट करो तो ये आंसर आता है। जैसे अगर आप इसको पहले टाइम अगर आप इसको फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टू एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, ऐसा हो जाएगा, और फिर उसको एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन टू एक्स बाय फोर, ऐसा हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली वही आ जाएंगे, देखो माइनस साइन टू एक्स बाय फोर ये वही आएगा। तो कोई भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप इंटीग्रेट करो चाहे तो आप केस टू का रूल अप्लाई करो, हमने केस टू का रूल अप्लाई किए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली हमें सेकंड सॉल्यूशन यहां मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि दो सॉल्यूशंस निकालने के बाद एट द लास्ट ये दोनों को ऐड करके हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना होता है। तो चलो अब हम यहां पे जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये हम लिखेंगे नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन आपको ऐसा लिखना है दैट इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, आपको ऐसा दोनों को ऐड करके शो करना है। ठीक है, तो सी एफ का इक्वेशन ये आपके पास है, पी आई का इक्वेशन ये आपके पास है, जस्ट दोनों को ऐड करो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ऐड करके वहां पे आपको शो करना है। सो y इक्वल्स टू सी एफ का इक्वेशन ये है, ये आपको एज इट इज लिखना है, ब्रैकेट में सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, देखो ये सी एफ का इक्वेशन प्लस पी आई का इक्वेशन, तो ये लिखते समय माइनस है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ दे दो, ई टू द पावर एक्स बाय फोर, ठीक है, इंटू साइन ऑफ टू एक्स। ठीक है, तो ये हमने जनरल सोल्यूशन यहाँ बना लिए जिसमें हमें सी एफ और पी आई को ऐड करना था। तो ये फाइनल सोल्यूशन हमें मिल गया और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 25। इसके पहले जो हमने इसके 24 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।